दोस्तों, आप सबके मन में हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते होंगे। आप जरूर सोचते होंगे कि हैकिंग लीगल है या इलीगल, एथिकल हैकिंग क्या होती है। यही सवाल इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही देखेंगे कि इस्लामी अटैक या इस्लामी स्लाइसिंग क्या होती है। हो सकता है कि आप सब के ऊपर भी कभी ना कभी इस्लामी अटैक जो है वो जरूर हुआ हो। उसी के साथ देखेंगे कि रैंसमवेयर क्या होता है, किस तरह से एक अटैकर जो है या एक हैकर जो है वो आपसे आपके डेटा के लिए आपसे फिरौती मांग सकता है। दिस इज रैंसमवेयर। देन फिर हम आ जाएंगे फिशिंग के ऊपर। सुनने में फिशिंग जो है प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग लगता है मछली पकड़ना, बट वो फिशिंग एफ से शुरू होती है और ये फिशिंग जो है ये पीएच से शुरू हो रही है। पकड़ी इसमें भी मछली जाती है, बट ऐसे में वो मछली जो है वो आप सब हो सकते हो। देन वी विल स्टडी क्रैकिंग क्या होता है, किस तरह से कोई भी एक इंसान, कोई भी एक क्रैकर जो है वो आपसे जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके पासवर्ड जो है वो क्रैक कर सकता है हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए। और फिर ट्रैप डोर्स क्या होते हैं, क्या कमियां होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में या फिर आपके विंडोज में। आपने वो ट्रस्टेड सोर्स से लिया है, बट ऐसे में कुछ कमियां होंगी जो उनको पता होगा और वो आपके सिस्टम के अंदर एक एंट्री कर लेंगे और आपसे आप ही के डाटा के लिए फिरौती मांग सकते हैं। और फिर देखेंगे कि स्पूफिंग क्या होता है। दोस्तों, मेरा नाम अंगिल कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स एक उड़ान। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम इस्लामी अटैक या इस्लामी टेक्निक से। देखिए, इस्लामी अटैक क्या हो गया, ये सीरीज ऑफ स्मॉल अटैक्स होती है जो कि कभी जज नहीं की जा सकती या जो कि कभी नोटिस में नहीं आती है। ऐसे में जो भी एक हैकर या जो भी एक अटैकर आपके ऊपर ये इस्लामी अटैक कर रहा है उसे बहुत बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज वो सिर्फ ये आप ही के ऊपर नहीं कर रहा है, एट द सेम टाइम आप जैसे बहुत सारे लोगों के ऊपर वो अटैक कर रहा है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में कुछ 2 रुपीज़ या 4 रुपीज़ पड़े हुए हैं और ऐसे में अगर आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपया या 2 रुपया कट भी जाता है, वो आपके लिए आपको पता नहीं चलेगा। और अगर पता चलता भी है, आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है किसी ने किसी सर्विस के ये पैसे कटे हों, या SMS चार्जेस हैं या फिर जो आप ATM यूज़ करते हो उसके कुछ चार्जेस हैं, चाहे मंथली हो या वीकली या ईयरली हो। हालांकि ईयरली भी 100 रुपीज़ होता है और जिसके अकाउंट में काफ़ी मनी है, अगर 100 रुपीज़ भी डिडक्ट हो जाता है तो इतना उसे नोटिस में नहीं आता। और वो अगर आएगा भी, वो यही सोचेगा कि कहीं ना कहीं ये किसी सर्विस के पैसे कटे हैं। बट दोस्तों, ये हर बार ऐसा नहीं होता कि किसी सर्विस के ही पैसे कटे हों, ये आपके ऊपर इस्लामी अटैक हो सकता है। देखते हैं कि क्या लिखा है इस पर, फिर इस पर कुछ डिटेल में बात करेंगे। देखो, इस्लामी अटैक हो गया सीरीज ऑफ स्मॉल अटैक्स डेट आर नॉट डिटेक्टेबल। ये छोटे छोटे बहुत सारे अटैक्स की एक सीरीज होती है जो कि डिटेक्टेबल नहीं होती है। इस्लामी अटैक को हम इस्लामी स्लाइसिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इस्लामी वर्ड कहां से आया? इस्लामी का मीनिंग होता है जो मीट होता है, और मीट के बहुत सारे अगर पीसेस कट कर दें, स्लाइसेस निकालें, तो वो हो गया मीट की स्लाइसिंग करना। वैसे ये अटैक्स जो है ये बहुत सारे छोटे छोटे अटैक्स होते हैं, इसीलिए इसे इस्लामी स्लाइसिंग बोलते हैं। दोस्तों, इट इज अ टेक्निक बाय विच साइबर क्रिमिनल्स स्टील मनी अ बिट एट अ टाइम। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो चोरी करते हैं अ बिट मनी, बहुत छोटी मनी समय पे, ताकि कोई भी नोटिसेबल डिफरेंस ना आए ओवरऑल साइज में। जिसके भी अकाउंट में 1 लाख रुपया होगा, अगर वहां से 50 पैसे भी कट जाते हैं तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे में उसको ये भी लगेगा किसी सर्विस के चार्जेस, अगर उसे पता चलता भी है। और अगर कभी उसको लग गया कि यार ये अजीब से क्यों पैसे कटे, नहीं पता चल रहा, ऐसे में वो कहीं पे कंप्लेंट करने नहीं जा रहा, बिकॉज उसका टाइम वेस्ट होगा, 50 पैसे के लिए वो कहां कंप्लेंट करेगा। बट बहुत सारे लोगों के ऊपर जब ये अटैक हो रहा हो तो जो अटैक कर रहा है उसे बहुत बेनिफिट होने वाला है। इट डाइवर्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स। बहुत सारे अकाउंट से छोटी छोटी मनी जो है उसे डाइवर्ट करता है, जो कि अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है, कोई भी एक सिस्टम। तो आई होप दोस्तों, ये इस्लामी अटैक, ये इस्लामी टेक्निक आपको अब क्लियर हो चुकी हो। साल 1993 में एक अटैक हुआ था लगभग 47,000 कस्टमर्स के ऊपर, 47,000 कस्टमर्स के ऊपर, जो कि इस्लामी अटैक था। उन सभी कस्टमर्स के अकाउंट से बहुत माइन्यूट छोटी छोटी जो मनी है उसे डिडक्ट किया गया, और फिर ऐसे में जिसने वो इस्लामी अटैक किया था उसे बहुत बेनिफिट हो गया था। दोस्तों, ये था हमारा इस्लामी अटैक या फिर इस्लामी टेक्निक। दोस्तों, अब आगे और अगर बात की जाए इस्लामी अटैक की टेक्निक किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि बूंद बूंद से दरिया बनता है। तो यहाँ पर भी बूंद बूंद हर एक अकाउंट से 50-50 पैसे अगर निकाल भी लिए जाए और उसका तो दरिया बन गया ना। बात करते हैं हैकिंग की। दोस्तों, हमारे मन में बहुत बार आता है कि हैकिंग लीगल है या इलीगल, या एथिकल हैकिंग क्या होता है। दोस्तों, हैकिंग की अगर बात की जाए तो जब हमेशा हम यही सोचते हैं कि हैकिंग जो है ये नुकसानदायक है, गलत है, सही नहीं है, बट ऐसा में हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ हैकिंग जो है वो लीगल भी होती है, कहीं पे ये हैकिंग जो है वो आपके लिए मीन्स बहुत कंपनीज के लिए बेनिफिशियल भी होती है, क्योंकि वो खुद हैकिंग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, वही अभी
हैकिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। देखो हैकिंग जो है बेसिकली ये क्या हो गया, हैकिंग इज आइडेंटिफाइंग वीकनेस इनटू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क्स। आपके सिस्टम या नेटवर्क में क्या कमी है उसको आइडेंटिफाई करना और फिर आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना, टू एक्सप्लॉइट इट्स वीकनेस, जो भी उसकी कमी है उसको एक्सप्लॉइट करना और आपके सिस्टम में एंट्री कर लेना ताकि उसे गेन हो जाए, मिल जाए क्या एसएस मिल जाए। हैकर्स जो है ये तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स, मतलब क्या हो गया सफेद टोपी वाले हैकर्स, ये नाम दिया गया है क्योंकि जिनको हम बोलते हैं सफेद टोपी वाले हैकर्स उसका मतलब वो बड़े अच्छे हैकर्स होंगे। देन ब्लैक हैट हैकर्स, जैसे सफेद मनी भी बोली जाती है ना व्हाइट मनी, देन होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स और तीसरा होता है ग्रे हैट हैकर्स। अब ये मैंने यहां पर तीनों को अलग अलग कैटेगराइज किया, ये आ गया ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स। अब एक एक करके समझते हैं दोस्तों। अगर बात करें हम ब्लैक हैट हैकर्स की, तो ये वो हैकर्स होते हैं जो कि इलीगली आपके कंप्यूटर सिस्टम को या नेटवर्क को हैक करते हैं, एंट्री पा लेते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके डाटा के साथ छेड़खानी कर सकते हैं और हो सकता है आपसे आप ही के डाटा के लिए फिरौती मांगी जाए, रैंसमवेयर जिसे हम बोलते हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया ब्लैक हैट हैकर्स, ये बिना परमिशन के इनलीगली आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करते हैं और आपके डाटा के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। बट व्हाइट हैट हैकर्स कौन से हो गए, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है इन्होंने खुद रखे होते हैं ताकि वो अपने कंप्यूटर सिस्टम या फिर जो उनका नेटवर्क है या फिर जो उनकी वेबसाइट है उसमें अगर कुछ भी लूप होल्स हैं, कुछ भी कमियां हैं, उसको ये व्हाइट हैट हैकर्स जो है वो एक्सप्लॉइट करें, चेक करें और फिर उन कंपनीज को बताएं। तो ऐसे में व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं ये लीगल हैकर्स होते हैं, ये परमिशन के साथ, जब कंपनी उनको परमिशन देगी फिर ही ये उनके सिस्टम को या उनकी वेबसाइट को या उनकी प्लेटफॉर्म को चेक करेंगे और फिर उनको उनकी कमियों के बारे में बताएंगे और इनको सैलरी भी मिलती है। और ऐसे में आपने जरूर सुना होगा कि एक बार ऐसा हुआ था किसी भी एक छोटे से आई थिंक 17-20 ईयर्स का एक स्टूडेंट था, उसने गूगल की कंपनी को बताया था एक लूप होल के बारे में और उसको बहुत पैसा मिला था, हज़ारों डॉलर्स जो है वो गूगल जो है ऐसे वाइट हैकिंग में खर्चता है। और उन्होंने ये इम्प्लॉय भी किए होते हैं, बहुत सारे हैकर्स जो हैं उन्होंने अपनी कंपनी में उनको जॉब दी होती है ताकि कुछ भी कमियां हैं अगर उनके प्लेटफॉर्म्स में, वेबसाइट्स में, कहीं पर भी, तो वो उनको सामने ला के दिखाएं ताकि, ये तो उनके लीगल हैकर्स हैं ना, ये तो उन्होंने खुद रखे, कमियां पता चल जाएंगी तो आने वाले समय पे कोई और उनका नुकसान नहीं कर पाएगा, जो ब्लैक हैट हैकर्स है वो उनका नुकसान नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों ऐसे में आ जाते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स जो है ये व्हाइट हैट और ब्लैक हैट के बीच में आते हैं। देखो अगर मैं क्लियरली बताऊं, इन्होंने परमिशन नहीं ली होती इसलिए ये व्हाइट हैट हैकर्स नहीं होते, बट फिर भी ये परमिशन नहीं ले रहे, जा तो रहे हैं ना, इलीगली जा रहे हैं, इलीगली जा रहे हैं, इसलिए ये कौन से हैकर्स हो गए, ब्लैक हैट हैकर्स। तो इसलिए हम बोला जाता है ये दोनों के बीच में आ रहे हैं। और ब्लैक हैट हैकर्स अगर मैं एक पॉइंट पर बोलूं ये नहीं भी है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये नुकसान नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ अपने आपको अपनी हिकड़ी दिखाने के लिए जिसे हम बोलते हैं, या अपने अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, अपनी स्किल्स के जरिए बताना चाहते हैं कि भाई हमें बहुत कुछ आता है, हम देखो आपके सिस्टम को हैक करके बता सकते हैं। करना इन्होंने कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएंगे, डाटा के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, बस अपना नाम बनाने के लिए ये हैकिंग करते हैं और ये जो भी वीकनेस होती है सिस्टम में उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। आई होप अभी आपको ये जो हैकिंग है इसके बारे में नॉलेज मिल चुकी होगी। दोस्तों इसमें जो भी हमने नोट्स लिखे हम उसके बारे में बात करते हैं। हैकिंग इज द एक्ट ऑफ इंट्रूडिंग इनटू समवन एल्स कंप्यूटर और नेटवर्क, एक एक्ट है जिससे हम किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क में इंट्रूड कर जाएंगे। हैकिंग में रिजल्ट इनटू डीओएस, डीओएस का मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, कि मतलब आपका रियल सिस्टम था, आप आईडी पासवर्ड डालोगे भी बट आपको डिनायल हो जाएगा, सर्विस नहीं मिलेगी क्योंकि वो हैक हो चुका है। प्रिवेंट्स ऑथोराइज्ड यूजर्स फ्रॉम असेसिंग द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर, आप एक ऑथोराइज यूजर हो बट अगर वो हैक हो चुका है तो आपको वो एक्सेस नहीं मिल पाएगा आप ही के सिस्टम का। और हैकर कौन हो गया, हैकर इज समवन हु डज हैकिंग प्रोसेस, हैकर एक ऐसा इंसान जो कि हैकिंग प्रोसेस करता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम रैंसम वेयर की। तो रैंसम जो है या रैंसम वेयर जो है, आपको पता है रैंसम का मीनिंग हो गया फिरौती मांगना। तो जब भी एक हैकर जो है वो आपके डाटा या कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है और आप ही के डाटा के लिए वो आपसे फिरौती मांग सकता है, दैट इज रैंसम वेयर। रैंसम मॉलवेयर और रैंसम वेयर इज अ टाइप ऑफ मॉलवेयर दैट प्रिवेंट्स यूजर्स फ्रॉम एसेसिंग देयर सिस्टम, अपने ही सिस्टम को आप एसेस नहीं कर पाओगे क्योंकि वो हैक हो चुका है और
आप अपनी पर्सनल फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, आपसे फिरौती मांगी जाएगी एंड डिमांड्स रैनसम पेमेंट, फिरौती मांगी जाएगी ताकि आपको वापस से एक्सेस मिल पाए। जिसने भी आपका ये सिस्टम जो है ये क्या बोलते हैं इसको आप हैक किया होगा वो फिरौती मांगेगा आपसे, और फिरौती जो है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगेगा या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स मांगेगा। तो ये हो गया रैनसमवेयर। दोस्तों अगर बात की जाए रैनसमवेयर से हम बच कैसे सकते हैं, तो रैनसमवेयर से बचने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपको फेक नोटिफिकेशन आ रही है ईमेल्स की या कहीं कहीं आप उनको क्लिक ना करो, जो अटैचमेंट्स आ रही है आप उनको क्लिक ना करो, तभी आप रैनसमवेयर से बच सकते हो। और दोस्तों एक बात और भी इसमें हम कर सकते हैं कि आप जो भी आपका डाटा है, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो हार्ड जो एक आती है हार्ड ड्राइव, आप उसके अंदर वो सारा स्टोर करके रखो, क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट डाटा उससे अगर आपसे फिरौती मांगी जाए आप उसके लिए आपको देनी पड़ेगी। तो अगर आपने वो सारा डाटा एक हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखा हुआ है तो आपको पता है कि अब वो फिरौती किसकी मांगेगा, हार्ड ड्राइव तो आप ही के पास है ना। तो ऐसे में जो भी ये रैनसम अटैक करते हैं ना वो आपके सारी डाटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं। इनक्रिप्ट करने का मतलब वो सारा डाटा जो है वो उनके पास है, और जब आप उनको फिरौती दोगे तो वो आपको एक की देगा, की देने के बाद वो आप डाटा जो है वो ओपन करके देख सकते हो, वापस आपको एसएस मिल जाएगा। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि रैनसम पेमेंट देने के बाद भी आपको एसएस नहीं मिलता और वो देख लेता आप डर गए हो, ऐसे में आपसे और पैसा मांगेगा, और डिमांड करेगा, आप और पैसा दोगे फिर और पैसा मांगेगा, तो उनकी ख्वाहिशें कभी कम नहीं होगी और आपको आपका डाटा भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ये देखने को बहुत बार मिलता है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम फिशिंग के ऊपर कि फिशिंग क्या होता है। मैंने आपको बताया फिशिंग जो है ये मछली पकड़ने जैसे नॉर्मल फिशिंग होती है, इसमें भी मछली पकड़ी जाती है और वो मछली आप सब हो सकते हो, आपको चारा फेंका जाएगा और आपको लगेगा कि आपका बेनिफिट होगा इसमें, बट फिर भी आप इसके बहकावे में आ जाओगे और आपको नुकसान होने वाला है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फिशिंग इज फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट, ये एक फ्रॉड का अटेम्प्ट होता है ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या डाटा या आपके जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, पासवर्ड्स हैं, यूजर नेम्स हैं, वो सब आपसे ले लिया जाएगा बाय मैस्कुरेटिंग और डिसगाइजिंग वनसेल्फ एज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। आपको लगेगा कि ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है, उसने ये फिशिंग आप या आपको कोई नोटिफिकेशन भेजी है, बट ऐसे में आपको वो नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि आपको लगने वाला है कि आपके बैंक से या बैंक जो भी प्रोवाइडर्स होते हैं वहाँ से कुछ ईमेल आया हुआ है या उन्होंने कोई मैसेज किया हुआ है, तो आपको लगेगा यार ये तो इंपॉर्टेंट है, आप उसे खोलोगे तो बट वहां जाके आपका होने वाला है नुकसान। फिशिंग मैसेजेस यूजली कम्स इन द फॉर्म ऑफ फेक नोटिफिकेशंस, फेक नोटिफिकेशंस आएंगी जैसे आपको फ्रॉम बैंक प्रोवाइडर्स रीड करते हैं, ईमेल्स, लॉटरी मैसेजेस, हमें बोला जाएगा कि आपकी लॉटरी लग गई है या आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको असाइन कर दिया गया है आप, या ये भी बोल सकते हैं कि यार आपके सिस्टम में कोई खराबी आ चुकी है या आपका डाटा जो है वो हैक होने वाला है और आप इस लिंक पर क्लिक करो आप बच जाओगे। बट आप जब लिंक में क्लिक करोगे आपको लगेगा आप बच जाओगे, उल्टा आप नुकसान में जा रहे हो। बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनेट फ्रॉड, ये भी एक टाइप है इंटरनेट फ्रॉड का जो कि सीक करता है आपसे आपकी क्रेडेंशियल्स ले लेते हैं छलावा करके। डिसेप्शन क्या हो गया, छलावा करके। तो दोस्तों ये था फिशिंग। बात करते हैं क्रैकिंग की। देखो क्रैकिंग क्या हो गया, ये एक आर्ट है ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स में पहुंचने का एक आर्ट है। नॉर्मल क्रैकिंग क्या होती है, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उसका जो अकाउंट है उसे उसका पासवर्ड क्रैक कर पाओ, तो आप उसके साथ जो भी चीज़ें रिलेटेड होगी आप हिडन ट्रायल मेथड से उसे चेक करने की कोशिश करोगे। मान लो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ डालोगे पासवर्ड के तौर पे, नहीं लगेगा, आप उसका जो भी फ़ोन नंबर है वो डालोगे, नहीं लगेगा, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम डाल दोगे, नहीं लगेगा, तो ऐसे करते करते शायद कभी ना कभी उसका जो पासवर्ड है आप वो क्रैक कर लो। वैसे ये बताना नहीं चाहिए, है तो गलत है, बट क्योंकि समझाना है सर्विस में है तो समझना तो पड़ेगा। बट दोस्तों ऐसे में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे लगाओगे भी बहुत समय लग जाएगा उसके पासवर्ड को क्रैक करने में, तो इसीलिए मार्केट में बहुत सारे क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो पड़े होते हैं जो कि खुद ही डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगा के कहीं ना कहीं ये पे जाके उसका पासवर्ड जो है वो उसे क्रैक कर लेते हैं। बट क्योंकि ये इलीगल होता है तो जब आप ये क्रैकिंग सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे मोबाइल पे डालोगे उल्टा आपको भी नुकसान हो सकता है, हो सकता है कहीं आप ही का पासवर्ड जो है वो क्रैक ना कर दिया जाए हैकर के द्वारा। तो क्रैकर इज समवन हु ब्रेक्स इनटू समवन एल्स कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, बायपासेस पासवर्ड्स, जो पासवर्ड्स होते हैं इसको बायपास कर लेगा या लाइसेंसेस को,
और वो इंटेंशनली ब्रीच करता है कंप्यूटर की सिक्योरिटी को। क्लियर दोस्तों? बात आती है ट्रैपडोर्स की। ट्रैपडोर जो है ये बेसिकली सीक्रेट एंट्री होती है या एंट्री पॉइंट होता है। मान लो आपने विंडोज 10 यूज कर रहे हो और जिसने वो विंडोज बनाई होगी उसे पता होगा क्या लूप होल है इसके अंदर, और उस लूप होल के जरिए वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री कर सकता है बिना आपके पासवर्ड या आपके यूजर आईडी को जाने, क्योंकि ये उसने बनाया है, विंडोज उसने बनाई है, उसी को पता है कि क्या कमी होगी इसमें, उस कमी के जरिए वो आपके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच सकता है। ट्रैप डोर्स जो होते हैं ये आमतौर पे उन्हीं को पता होता है जिन्होंने वो चीज़ें मैन्युफैक्चर या डेवलप की हो, जो प्रोग्रामर्स होते हैं। तो ऐसे में इनसे बचना हल्का सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है जब भी आप विंडोज भी डालो वो भी पायरेटेड नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, ट्रस्टेड सोर्स से चीजों को लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं स्पूफिंग की। स्पूफिंग भी एक टाइप ऑफ स्कैम है जिसमें क्रिमिनल्स जो है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेना चाहेंगे, वो प्रिटेंड करेंगे कि वो एक लेजिटिमेट या एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, बट आपसे आपका होगा उसमें नुकसान। स्पूफिंग का मीनिंग क्या हो गया? ईमेल स्पूफिंग होती है। मान लो आपने, आपको मेल आना था sandeep@gmail.com से, sandeep@gmail.com, बट अगर आपको मेल आया sandeep@gmail.com, हो सकता है आपको लगे यार ये तो उसी फ्रेंड से आया है, और जो भी उसने नोटिफिकेशन दी होगी आपको, आप उस पर क्लिक करोगे, अटैचमेंट को क्लिक करोगे, आपको हो जाएगा नुकसान, आपका जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है वो उस तक पहुंच सकता है। वेबसाइट स्पूफिंग हो सकती है, हो सकता है आपको किसी एक लिंक के जरिए जो भी आपके सामने पॉपअप होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे उस पर क्लिक कर ही लेते हैं, तो आपको एक ऐसी वेबसाइट पर लेके जाया जाएगा जहां पर लगेगा आपको कि एक रियल वेबसाइट है, क्योंकि उसका जो लेआउट होगा वो वैसा ही होगा जैसा ओरिजिनल वेबसाइट का होता है। मान लो अमेजन पे लेके गया बट वो फेक अमेजन की वेबसाइट बनाई थी उसने, और आपको लग रहा है वो रियल अमेजन की वेबसाइट है, तो ऐसे में आपका नुकसान वहां पर भी होगा। और वैसे ही डिफरेंट टाइप की स्पूफिंग जो है दोस्तों वो भी होती है। पानी पी लेते हैं। तो दोस्तों ये सब था जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना था। देखो पहला सलामी अटैक आपको बताया, छोटे छोटे अटैक्स आपके अकाउंट से कुछ कुछ पैसा कटेगा। हैकिंग मैंने बताया, जो एथिकल हैकिंग होती है वो कौन सी होती है? वो होती है व्हाइट हैट हैकर्स। और एथिकल हैकिंग अगर आपको आती है आपको किसी कंपनी में अच्छी जॉब भी मिल सकती है। फिर रैंसमवेयर बताया मैंने, आप ही के डाटा के लिए आपसे फिरौती मांगी जा सकती है। फिशिंग के बारे में बताया मैंने कि फिशिंग वेबसाइट्स भी होती है और आपको बताया जाएगा वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है या एक रियल पर्सन है जिसको आप जानते हो या आपको उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, बट उससे बहुत नुकसान होगा आपको। क्रैकिंग के बारे में बताया किस तरह से आपके सॉफ्टवेयर के जरिए आपके पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता है। इसमें एक ब्रूट फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी आएगा जब ये हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपको नॉलेज के लिए वो चीज़ें जरूर बताऊंगा। ट्रैप डोर्स मैंने बताया, जो लूप होल्स कमियाँ होती हैं और ये उन्हीं को पता होता है जिन्होंने ये डेवलप किया होता है। स्पूफिंग के बारे में बताया, ये भी एक ऐसा थ्रेट है जिसे हम बोल सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों आज के लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।